हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ये गेट पर्दा डिज़ाइन बना के बताने वाली हूँ, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी और मैंने कहा था कि इसकी वीडियो रेडी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को आप इन तक ज़रूर देखिए, मिस ना करें। ये डिज़ाइन मैं आपको अच्छे से बना के बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बनने वाला गेट पर्दा डिज़ाइन है, काफ़ी जल्दी ये बन के तैयार हो गया था, तो आप लोग ट्राई इसे ज़रूर करें। और अगर आप बनाते हैं कोई भी डिज़ाइन मेरे चैनल से देख के, तो प्लीज़ आप लोग हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें। और चलिए इस वीडियो को हम बनाते हैं। आपने देख लिया होगा, दो भी हमने बनाया है और गुल्ली और चैन का यूज़ है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक तरफ का भी तैयार कर लिया ताकि आपको वीडियो में बताने में मुझे आसानी हो। तो हमने पट्टी को दो भाग किया है, आधा आधा करके, और एक साइड में हमने भी तैयार किया है, जिसमें आप देख सकते हैं एक तीन, तब ये पांच घर है, पांच खंड है, पांच चार तीन दो एक, इस तरह से ये खंड बना हुआ है और तीन लेयर में बना हुआ है। सेम स्टेप्स है, और अगर आप एक स्टेप को सीख लेते हैं तो फिर आपको बनाने में आसानी होगी। तो यहाँ देखिए, एक दो तीन चार पांच घर हमने गैपिंग बीच में रखा है। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमने दो उनका यू, मैं हर एक वीडियो में आप देखते होंगे मैं डबल उनका यूज़ करती हूँ, ताकि काफ़ी अच्छा लगता है, कोई भी डिज़ाइन बन के रेडी होता है। तो यहाँ पे देखिए, हमने आधा कर लिया है और हम इस साइड अब भी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम चैन लेंगे, बांध लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम दो फंदा लेंगे इस तरह से। ये हमारा एक फंदा हो गया, और ये हमारा दूसरा फंदा है। फिर हम बीच में दो चैन लेंगे, या फिर आप एक चैन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो चैन लेना है, और फिर इसके बगल में हम फिर सेम इसी तरह से दो फंदा लेंगे और इसे बांध लेंगे। फिर दो चैन लेंगे और फिर इसे हम यहाँ पे दो फंदा लेंगे। इस तरह से हमारा तीन खंड रेडी हो चुका है, इस तरह से देखिए, एक दो तीन। तो हमें यही लेके चलना है। अब यहाँ पे हम एक दो दो चैन लेंगे और पहले वाले चैन के अंदर से हमें गुल्ली बनाना है। तो पहले वाले चैन के अंदर से हम गुल्ली बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें पांच बार लेना है, तो डबल ऊन है तो पांच बार, अगर सिंगल ऊन है तो दस बार आप लेंगे, तो एक मीडियम साइज में गुल्ली बन के रेडी होगा और इसे हम बांध लेंगे। तो ना ज़्यादा हमारा मोटा है और ना पतला। तो यहाँ पर हम फिर से चैन लेंगे, आप बीच में दस चैन लें, मैंने भी लिया है, दस चैन लेंगे और दस चैन में हम एक चैन छोड़ के दूसरे वाले चैन के अंदर से हम गुल्ली बनाएंगे। देखिए, इस तरह से पहला चैन छोड़ के सेकेंड वाले चैन के अंदर से हमें गुल्ली बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे एक तैयार हुआ। अब यहाँ पे हम चैन लेंगे, दो चैन लेंगे और पहला चैन छोड़ के दूसरे वाले चैन के अंदर से गुल्ली बनाएंगे।
बन गया। उसके बाद हमें 10 चेन लेना है। और फिर एक गुल्ली तैयार करना है। देखिए हमारा गुल्ली अब रेडी हो गया। इसे हम बांध लेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा ये रेडी हुआ है। एक गुल्ली, बीच में 10 चैन, फिर दो गुल्ली, फिर बीच में 10 चैन और फिर एक गुल्ली। तो ये हमारा ये खंड तैयार होगा। अब हम फिर बीच में 5 घर छोड़ देंगे। आप देख लेंगे आपके पट्टे में कितनी लंबाई हो रही है, 4 या 5 या 6 घर भी आप छोड़ सकते हैं। तो 5 घर छोड़ के या 5वें घर में छठे घर में देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे भी बनाना है। तो सेम उसी तरह से 3 टोप लेना है और सेम यही स्टेप पहले स्टेप में होगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारा ये खंड पूरा रेडी हो चुका है। 2, 3, 4 खंड। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, पलट लेना है। पलटने के लिए हम लोग पहले क्या करते थे, ये आसान तरीका है। यहाँ पे हमें चैन छोटा कर लेना है, फंदा नहीं लेना है और उसी के अंदर से निकाल लेना है, जिससे क्या होगा कि पता नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने इसे मोड़ा है। उसके बाद हमें इस खंड के अंदर से फंदा निकालना है। 3 था तो अब हमारे यहाँ पे 2 घर बनेगा जो खाली है, उसके अंदर से हमें फंदा निकालना है। तो 2 फंदा निकालेंगे और फिर 2 चैन लेंगे। उसके बाद हमें एक गुल्ली, फिर 10 चैन और एक गुल्ली, इतना बनाना है। तो 2 चैन लेंगे हम सबसे पहले। और यहाँ पे देखिए हमें क्या किया है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक गुल्ली, बीच में 10 चैन और एक गुल्ली हमने बना लिया है। और जो पहला हमने जो राउंड किया था उसके अंदर से हमें एक फंदा मतलब निकालना है डबल करके। तो एक फंदा ऐसे हुआ। आप चाहे तो चैन के अंदर से भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी। तो यहाँ पे कर लेंगे और फिर इसके अंदर से एक बार और निकालेंगे और फिर इसे भी हम बांध देंगे। उसके बाद फिर हम एक गुल्ली, 10 चैन और एक गुल्ली बनाएंगे। 2 चैन लेंगे और इसके अंदर से हम गुल्ली बनाएंगे। फिर 10 चैन लेंगे और फिर एक गुल्ली बनाएंगे।
टाइट करके हमें इसे बांध देना है। तो देखिए इस तरह से अब हम दूसरे घर में, तीन घर हैं तो वहाँ पे भी दो घर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे तीन है तो इसके दोनों बीच में जो गैपिंग है उसके में से हम दो बनाएंगे। यहाँ पे हमारा एक बना और यहाँ पे हमारा तीन, तीन है तो दो हो जाएगा। तो इस तरह से मैं सब में बना लेना है। तो देखिए हमने टोटल में बना लिया है और हमें इसे अब पलटना है। तो इतना हमने रेडी किया है, आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें दो घर कर लेना है। तो देखिए इस तरह से दो दो घर सब में रेडी हो चुका है इस तरह से। अब हम इसे पलट लेंगे और अब हमारा इसमें एक घर बनेगा। दो है तो इसे हम एक घर बनाएंगे यहाँ पे। इसके गैपिंग के अंदर से हमें घर बनाना है। पहले हम इसे घर घटा के वहाँ तक पहुँचेंगे, तब हम वहाँ से दो फंदा निकालेंगे। तो हमारे देखिए साइड में तीन दो एक घर, जैसे एक हो जाएगा उसके बाद हमें इस घर को छोड़ के नया घर बनाना होगा। तो देखिए अब हम फिर से एक गुल्ली चैन ले लेंगे, बना लेंगे एक गुल्ली 10 चैन और फिर एक गुल्ली इतना बना लेंगे। देखिए इतना बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इस साइड वहाँ पे हमारा घर घट रहा है तो यहाँ पे हमारा घर बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा दो है, बीच में एक घर कर लेंगे। यहाँ पे तीन दो एक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक घर हो गया। सेम इसी तरह से पूरा स्टेप बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक घर और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये दूसरा। इसी तरह से हम इसमें दो घर बनाते हुए जाएंगे और वहाँ पे घर घटता जाएगा और यहाँ पे घर बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए इसमें बना हुआ है कैसे, इसी तरह से पूरा स्टेप बनता जाएगा।
तो देखिए इस तरह से ये स्टेप बन चुका है, दो लेयर तक मैंने आपको दिखाया था बना के। अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है। अब हमारा यहाँ से एक नया घर स्टार्ट होगा, जब हमारा यहाँ पे दो हो जाएगा तो हम कट कर लेंगे। साइड में हमारा एक घर हो चुका है तो यहाँ पे हमारा तीन घर बनेगा। साइड में एक फंदा लेंगे और फिर बीच में और एक साइड में, तो हमारा यहाँ से नया घर बनने जा रहा है। दो चैन ले लेंगे, फिर बीच में दो फंदा, फिर दो चैन और गुल्ली, दो गुल्ली ऐसे करके बनेगा। तो देखिए देखिए एक गुल्ली, दस चैन, दो गुल्ली, दस चैन और एक गुल्ली, और यहाँ पे हम तीन घर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये स्टेप बना हुआ है, देखिए। सेम इसी तरह से हम पूरे में बना लेंगे। देखिए इसी तरह से यहाँ पे नया घर बनेगा। जैसे ही वहाँ पे दो कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हमारा नया घर बनेगा, तो हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए यहाँ पे तीन है, तो अब हम यहाँ पे घर घटाना है, दो करना है यहाँ पे। तो बीच से हम दो दो फंदा लेंगे और देखिए बहुत ही ईजी है। तो देखिए यहाँ पे एक गुल्ली, दस चैन, दो गुल्ली और एक गुल्ली बनाने के बाद यहाँ पे हम ज्वाइन करेंगे, इसके बीचों बीच एक घर बनाएंगे और सेम वही स्टेप रिपीट होगा। वहाँ घटेगा और यहाँ पे अब घर बढ़ता हुआ चला जाए, सेम वही स्टेप है दोस्तों। इसमें भी सेम उसी तरह से बनाएंगे जैसा उसमें बना हुआ है। देखिए यहाँ पे कैसे बना हुआ है, तो देखिए दोस्तों किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे तीन दो एक ऐसे करके बना हुआ है, फिर यहाँ पे तीन दो एक है। तो जैसे ही हमारा एक होगा वहाँ से हमारा नया घर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसी तरह घटते घटते ये हमारा पूरा एक भी रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमने दो भी रेडी किया है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये बना है। और अब हम इसे सजाएंगे, देखिए इस तरह से नया घर ये बना हुआ है और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको बताया है ऐसे ज्वाइन करके, और फिर हम इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा बनते जाएगा। तो देखिए पूरा किस तरह से बना है, दो तीन चार पाँच, फिर एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो। अब यहाँ से हमारा एक घर बनेगा, तो वो मैं आपको शॉर्टकट में दिखा दूँगी। यहाँ से तीन बना के और एक नया घर बनाएंगे, फिर यहाँ पे तीन फंदा लेंगे, फिर उसे घटाते हुए बनाएंगे। I'm not afraid to die.
तो देखिए यहाँ पे तीन, एक गुल्ली, 10 चैन, 2 गुल्ली, 10 चैन, 1 गुल्ली, इस तरह से एक नया घर बना है। और फिर हम यहाँ पे आपको सेकेंड दिखाते हैं, यहाँ पे ये जो घटते क्रम में बन रहा है इसी तरह से बना है, वहाँ पे नया स्टेप। तो इसी तरह से टोटल हमारा भी बन के रेडी होगा, देख सकते हैं नीचे वाला भी हमारा रेडी हो चुका है दोनों तरह से, और इस साइड भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें लड़ी गिराएंगे और फ्लावर्स लगाएंगे। तो ये बहुत ही ईजी है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से इसमें डिज़ाइन किया है लड़ी का, तो आप लोग देखे ज़रूर, इसकी वीडियो मैं इसमें ही अटैच कर देती हूँ। तो इसका लड़ी भी कैसे बना है वो आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा पूरा गेट बन के रेडी हुआ है। और इसमें आप अपने हिसाब से फ्लावर जहाँ लगाना चाहते हैं वहाँ लगा सकते हैं। और इस तरह से हमने तीन तीन लड़ी साइड में लगाया है, फ्लावर्स भी लगाए हैं। और यहाँ पे इस तरह से देखिए पूरा गेट बन के रेडी हुआ है, बीच में जो गैपिंग था उसमें भी हमने लड़ी गिराया है। तो देखिए ये कैसा बना, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोग को कैसा लगा ये डिज़ाइन ये भी, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।